करनाल जिले के कस्बा असंद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक घर में 11 सांप निकले हैं। बताया जा रहा है कि 6-6 फीट लंबे ये सांप घर में तूड़ी में छिपे हुए बैठे थे। पता चलने पर सांप पकड़ने वाले स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, जिन्होंने सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। स्नेक मैन सतीश ने बताया कि इस तरह का यह पहला मामला है जब इतने बड़े आकार के इतने सारे सांप एक साथ मिले हो। मामला असंद के खिजराबाद रोड पर खेतों में बने डेरा पिंजोरिया का है। डेरे के मालिक ने बताया कि यहाँ पशु बांधे जाते हैं, पास ही तूड़ी स्टोर की गई है। मंगलवार को जब घर के सदस्य यहाँ तूड़ी लेने आए तो अचानक सांप देखकर घबरा गए। इसके बाद आनन फानन में स्नेक मैन सतीश फफड़ाना को सूचित किया गया। सतीश ने आकर कुछ देर में यहाँ सांप को पकड़ा तो एक एक करके 10 और सांप निकले। आपको बता दें कि डेरे के मालिक ने सतीश को सूचना दी कि उन्होंने देखा कि एक से ज्यादा सांप है। पहले एक साथ 3 सांप पकड़े, अपने साथी के साथ मिलकर सांप पकड़ना शुरू किया तो एक के बाद एक 11 सांप एक ही जगह से निकले। खेत की जगह होने के कारण इतने सांप एक जगह एकत्रित हुए हैं। साथ ही यह भी हो सकता है कि इनमें कोई सांपिन हो जिसकी गंध की वजह से बाकी के सांप यहां आ गए। वैसे इलाके का यह पहला ऐसा मामला है जब एक ही जगह से 11 सांप पकड़े गए हो, वो भी 6-6 फीट लंबे। आपको बता दें कि ये सभी सांप रेड स्नेक प्रजाति के हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये इतने खतरनाक सांप नहीं होते, इन्हें किसान मित्र भी कहा जाता है और ये सिर्फ चूहों को खाते हैं। इनमें विष नहीं होता। यह सांप आदमी या दूसरे किसी पशु वगैरह पर तभी वार करता है जब इस पर पाव रखा जाए। वार के वक्त अपने दांत घाव में छोड़ देता है, जिससे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। उस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होती है, इन्हें मारना नहीं चाहिए। वैसे भी प्रकृति के संतुलन के लिए जीव जंतु को मारना सही नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।